दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को सी डी पाम का किस तरह से ट्रैफिक एडजस्ट किया जाता है मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं और सिखाने वाला हूं। पहले फ्लाईव्हील को घुराकर आप लोग पुश रोड को एडजस्ट कर लीजिए। फ्लाईव्हील घुराकर ही पुश रोड का एडजस्ट किया जाता है। आप लोग भी हमारा जैसा पुश रोड को एडजस्ट कर लीजिए। पुश रोड को एडजस्ट करने का बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पुश रोड एडजस्ट नहीं होने से आप लोगों का दिक्कत आने वाला है। इसलिए हम लोग हमारा जैसा आप लोग भी पुश रोड को एडजस्ट कर लीजिए। फ्लाईव्हील को घुराकर आप लोग भी मेरा जैसा सामान कर लीजिए। पुश रोड को देख लीजिए ध्यान से। पुश रोड सामान होने के बाद आप लोग रखा आर्म्स को फिटिंग कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं दो ट्रिक के बारे में समझाने वाला हूं, लेकिन आप लोगों को मैं एक ट्रिक में ट्रैफिक किस तरह से एडजस्ट किया जाता है इसके बारे में आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत अच्छा ट्रिक है। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिए। दो ट्रिक इस तरह से होता है। एक ट्रिक होता है फ्लाईव्हील में TDC का मार्क देता है। इस TDC मार्क से मिलाना बहुत आसानी होता है, लेकिन क्या होता है, जो ओल्ड इंजन होता है, डीजल इंजन होता है ना, उसमें जो फ्लाईव्हील रिपेयरिंग किया जाता है उसमें दिक्कत आता है। इसलिए मैं दो ट्रिक के बारे में बताना वाला हूँ। दोस्तों, दूसरा ट्रिक बहुत अच्छा ट्रिक है। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों को कोई धोखा नहीं देगा इस ट्रिक में। आप लोगों को इस ट्रिक को यूज़ कीजिए। दोस्तों, इस ट्रिक में वेल्व को अप एंड डाउन करके मिलाना है। वेल्व को अप एंड डाउन करके मिलाने से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बाद में। दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हम लोग अभी आउटलेट वेल्व को डाउन करके इनलेट वेल्व को मिलाना वाला हूँ। दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए आप लोग, आप लोग का आसान होगा। दोस्तों, हम लोग एक बिलेट लेता हूँ ट्रैफिक एग्जॉस्ट करने के लिए। ट्रैफिक का एग्जॉस्ट किस तरह से किया जाता है आप लोग देख लीजिए। दोस्तों, बिलेट को अंदर घुसाने के लिए बहुत हार्ड हो रहा है, इसलिए ट्रैफिक को एग्जॉस्ट करना होगा। दोस्तों, एग्जॉस्ट नट को खुलने के लिए थोड़ा सा मारना होगा, नट को इस तरह सा मारना होगा। दोस्तों, देख लीजिए आप लोग, थोड़ा लॉस करना होगा। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए किस तरह से मिलाता हूँ हम लोग। थोड़ा लॉस करना होगा, इस तरह से लॉस करना होगा। अभी देख लीजिए, देख लिया ठीक से, देख लीजिए ठीक से, देख लीजिए इस तरह से मिलाने से अच्छा होगा। ट्रैफिक का साउंड भी नहीं देता है इस तरह से मिलाने से। दोस्तों, अभी एग्जॉस्ट नट को ध्यान से देख लीजिए किस तरह से हम लोग मिलाता हूँ। देख लीजिए ठीक से। दोस्तों, नोट को जाम देने से पहले एक ध्यान देना चाहिए आप लोग, जो बोल्टू है इसको घूमने मत दीजिए। घूर जाने से आप लोगों का एग्जॉस्ट थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, बाद में स्टार्ट नहीं होगा, इसलिए आप लोगों को ध्यान देकर इसमें काम करना होगा आप लोगों का। दोस्तों, बोल्टू जाम देने के बाद भी सीख कीजिए एक बार, इस तरह सीख कीजिए। दोस्तों, हमारा एक वेल्व का काम हो गया, इनलेट वेल्व का काम हो गया। अभी हम लोग मिलाने वाला हूँ आउटलेट वेल्व का। दोस्तों, अभी हम लोग इनलेट वेल्व को डाउन करके आउटलेट वेल्व को मिलाऊंगा पहला जैसा। मैंने देख लिया थोड़ा हार्ड है आउटलेट वेल्व, इसको भी लॉस करना होगा। देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए। दोस्तों, इनलेट वेल्व को जिस तरह से हम लोग मिलाया था, इस तरह से आउटलेट वेल्व को भी मिलाना चाहिए, सेम इसी प्रोसेस से मिलाना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान देना चाहिए, आउटलेट वेल्व को थोड़ा लॉस करना होगा इनलेट की, इनलेट से भी थोड़ा लॉस करना होगा आउटलेट साइड वेल्व को। ध्यान से देख लीजिए आप लोग, आउटलेट वेल्व ज़्यादा हार्ड होने से बैक स्टार्ट लेता है, इसलिए थोड़ा लॉस करना होगा। क्योंकि CD पंप डीजल इंजन का फ्लाईव्हील बहुत छोटा है, इसलिए वो बैक स्टार्ट लेना चाहता है। इसलिए ट्रैफिक को आप लोग ध्यान से देख लीजिए किस तरह से हम लोग ट्रैफिक का एग्जॉस्ट करता हूँ। ट्रैफिक एग्जॉस्ट ठीक से नहीं होने से भी बैक स्टार्ट का प्रॉब्लम देता है, आप लोग ध्यान देना। ट्रैफिक एग्जॉस्ट करने के बाद
आप लोग इस तरह से देख लीजिए, एग्जास्ट बाहर में देख लीजिए किस तरह से खेल रहा है ट्रैफिक को, ट्रैफिक का आम किस तरह से खेल रहा है। दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है हिंदी लैंग्वेज का, मैं ज़्यादा सा वीडियो आसामीस लैंग्वेज में बनाता हूँ, एक ने कमेंट किया इसलिए मैं हिंदी में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी हिंदी में बनाने के लिए। दोस्तों मैं हिंदी और आसामीस दोनों लैंग्वेज में वीडियो बनाऊँगा, सभी डीजल इंजन का आप लोगों को दिखाऊँगा और सिखाने के लिए कोशिश करूँगा आप लोगों को सभी को। बहुत बहुत लोग हिंदी का लोग बहुत लोग मेरा वीडियो देख रहा है। दोस्तों आप लोग को मैं डीजल इंजन सिखाने वाला हूँ, मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, जो लोग नया से आया है वो लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को डीजल इंजन किस तरह से रिपेयरिंग किया जाता है, किस तरह क्या क्या प्रॉब्लम देने से क्या क्या होता है डीजल इंजन का, मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। दोस्तों मैं आसामीस लैंग्वेज में भी वीडियो बनाऊंगा और हिंदी लैंग्वेज में भी, दोनों लैंग्वेज में भी आप लोगों को सिखाने के लिए कोशिश करूंगा, लेकिन मेरा हिंदी ज़्यादा हिंदी नहीं आता है इसलिए मैं ज़्यादा सा वीडियो आसामीस में ही बनाऊंगा, लेकिन हिंदी में भी कोशिश करूंगा, हमारा हिंदी ज़्यादा नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा आता है इसलिए। दोस्तों जिस लोगों ने हिंदी में वीडियो देख रहा है वो लोग मुझे सपोर्ट करो और कॉमेंट बॉक्स में एक एक कमेंट करके बताओ कैसा लगा मेरा वीडियो देखकर, मैं आप लोगों को भी कोशिश करूंगा हिंदी में सिखाने के लिए। दोस्तों आप लोग ने क्या सीखा वो बात मुझे कमेंट करके बताओ, आप लोग मुझे सपोर्ट करो, मैं हिंदी में बनाने के लिए कोशिश करूंगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सीडी पम्प का बैक स्टार्टिंग के प्रॉब्लम के बारे में दिखाने वाला हूँ, मैं आसामीस लैंग्वेज में बैक स्टार्टिंग का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, अभी मैं हिंदी लैंग्वेज में आप लोगों को दिखाने कोशिश करूंगा। सीडी पम्प का बहुत बैक स्टार्टिंग होता है इसलिए मैं आप लोगों को बैक स्टार्टिंग के बारे में दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। दोस्तों इस वीडियो में आप लोग ओनली ट्रैफिक टाइमिंग के बारे में देखा, लेकिन इस इंजन में मैंने मेन ब्रिंग फिटिंग किया और रिंग किस तरह से परफेक्ट फिटिंग किया जाता है, मेन ब्रिंग भी किस तरह से परफेक्ट फिटिंग किया जाता है आप लोग देख सकता है आसामीस लैंग्वेज में। दोस्तों मैं जितना वीडियो बनाता हूँ मेरा वीडियो देखकर भी आप लोग डीजल इंजन बना सकता है। दोस्तों हमारा ऑलरेडी इंजन का फिटिंग ऑलरेडी हो गया, अभी हम इस इंजन को हम स्टार्ट देकर आप लोगों को दिखाने वाला हूँ किस तरह से स्टार्ट होगा, आप लोग देख लीजिए। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोग को मेरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।